पोंछा, बर्तन और सफाई। सफाई तो ऐसे कर दी कि घर की सारी चीजें गायब ही हो जाती हैं। क्या गायब हो जाती हैं? अरे वो मेरा मतलब कि मैं सफाई ऐसे करती हूँ कि सारी चीजें उसी जगह पर रख देती हूँ। अरे काम वाली बाई की जरूरत तो है। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन सफाई ढंग से करना। ठीक है, आ जाओ अंदर। अरे सफाई तो मैं ऐसी करूंगी कि सफाया ही कर दूंगी। अरे बाप रे, इतना सारा मेकअप, मौका लगते ही दो चार चीजें यहाँ से साफ कर लूंगी। पर अभी ना थोड़ा सा मेकअप लगा लेती हूँ मैं। मैं ना ये देखो कितनी धूल लग रही है इसमें, इसकी धूल साफ कर रही थी। देखो कितनी धूल लग रही है ना इसमें। अच्छा ठीक है, इसे छोड़ो, किचन में बहुत सारा काम डालो, उसे जाके करो। अच्छा ठीक है मालकिन। एक ये लोग हैं जिनकी टोकरियों में प्याज और मिर्ची समाते ही नहीं है, और एक हम गरीब लोग हैं जिन्होंने बरसों से प्याज मिर्ची देखे ही नहीं है। लेकिन झुमरी, तू अपनी टोकरियों के साथ नाइंसाफी मत करना, ये प्याज और मिर्ची अपनी टोकरियों में भर कर ही रहना। हाँ मांग रहा है। अच्छा हाँ, ये लो। अरे झुमरी, यही मौका है पैसे लूटने का। अरे इतने से नहीं, और चाहिए और। अच्छा और चाहिए, ये लो। हाँ मुझे अंकल जी कहा। हाँ हाँ, तुम्हें ही अंकल जी कहा। अभी साहब जी घर पर नहीं है, जाओ कल आना। जाओ जाओ जाओ। कैसा उल्लू बनाया उस दूध वाले को, बड़े दिनों के बाद ये पैसे देखने को मिले हैं मुझे। चांदी, मेन साहब ये सोने का हार है ना, और ये चांदी की है ना। हाँ हाँ, ये असली सोना है। क्यों, क्या हुआ? आप ये सोना चांदी पहनकर कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं बाजार जा रही हूँ। बाजार? हाय राम। मेम साहब हम आपको एक बात बताएं, हमारे गांव में ना चंपा नाम की एक औरत रहती थी। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे मैडम जी, आपने ऐसे बीच बीच में टोका मत किया करो, इससे क्या होता है जो बात करने का जो मजा होता है ना, वो सारा किरकिरा हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन चंपा ऐसे ही सोना चांदी पहनकर बाजार गई, फिर एक चोर आया और झट से उसके गले पे हाथ मारा और सोने चांदी की चेन चुरा के भाग गया। क्या ऐसा हुआ? हाँ मैम साहब, ऐसा हुआ। अब हो गया तेरा, चल जा काम करना। Thank you.
अरे वाह, मेरा प्लान तो कामयाब हो गया। मैं चलती हूँ। रुको, ये देखो। अरे बाप रे, मेरी चोरी तो पकड़ी गई, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं? अब क्या करेगी तू? वो तो अच्छा हुआ मैंने चुपके से इसकी वीडियो बना ली, ये तो पता नहीं ये क्या क्या चोरी करती। और अब तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, जेल में है, समझी तू? अरे मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए ना। नहीं नहीं, माफी माफी नहीं मिलेगी अब, चल निकलो यहाँ से। और हाँ, और तू यहाँ से हमारा सामान चुरा के ले जा रही है ना, उसको चुपचाप रख दे, नीचे रख।